नमस्कार दोस्तों, दैट न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर और कुछ बयान ब्याजी जो सियासतदारों की तरफ से हुई है उसको लेके आज उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी। आज कविंदर गुप्ता जी, पहले तो हमको स्वागत करते हैं दैट न्यूज में सर। धन्यवाद कविंदर गुप्ता जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो करंट सिचुएशन चल रही है और जिसमें आपने भी कुछ दिन पहले कन्फर्म किया था कि कुछ पीडीपी एमएलए जो हैं वो टच में हैं बीजेपी के सजाद लोन के थ्रू, अगर हम बात करें, और सेंटर में भी जाके मिले हैं वो नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन को लेके। ऐसा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसी तो मूव नहीं है जिससे कि सरकार बनाने की बात है। पिछले हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं समर्थन वापस लिया था, ये आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो मैंने कहा कि कुछ पार्टियों ने जब एक कोशिश की कि यहाँ पर सरकार बनाई जाए, जब वो कांग्रेस थी या बीजेपी थी, तो उनकी पार्टी में टूट होना शुरू हो गई। और मुझे लगता है कि जो कश्मीर की इस वक्त सिचुएशन है, सभी जो पार्टियों के विशेष करके जो काफ़ी एमएलए हैं जो उनको अपनी पार्टियों के प्रति रोष है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक नया ऐसा कोई मोर्चा बन करके आएगा जो कि अच्छी सोच का होगा। ऐसे मेरी एक परसेप्शन सोच है। ये जब आप बात करते हैं नए मोर्चे की, अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी स्टेट में एंटी डेफिकेशन लॉ भी है, उसके तहत अगर कोई भी वॉलंटरी गिवअप करता है अपनी पार्टी की जो भी होती है उसको जो है डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो अपने एमएलए की पोजीशन से। तो एंटी डेफिकेशन लॉ के होते हुए किस तरह से ये पॉसिबल है अगर हम बात करें? मुझे लगता है कि ये जब भी कोई अगर होती है तो वो तो ला तो अपना काम करेगा, ला के हिसाब से ही होगा। कितने लोग आते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम लॉ की बात करें उसके अकॉर्डिंग अगर एक भी एमएलए या ग्रुप में भी कोई आता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है इसको लेके। और कल आजाद साहब ने भी, अगर हम बात करें, श्रीनगर में बयान दिया था, उन्होंने भी इस चीज़ को रेफर किया था कि ये पॉसिबल नहीं है हमारी स्टेट के अंदर। अगर देखें पोलिटिकल सिचुएशन जो है करंट, उसमें देखो उन्होंने कोशिश करके देख लिया है, उनको लगा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती है ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति बनती है, कितने लोग आते हैं। जैसे कल इमरान अंसारी साहब ने कहा कि 14 लोग हमारे संपर्क में हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे में तकरीबन 19 के करीब चाहिए बीजेपी को अगर दोबारा से पार्टी फॉर्म बीजेपी कोई फॉर्म करने नहीं जा रही है, जो सोच रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी अभी कोई इस बात के लिए सोच नहीं बनी। आपने बात की कि बाकी पार्टीज के जो एमएलए हैं वो आपसे जो है मिल रहे हैं या वो एक नया मोर्चा जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम अपोजिशन की बात करें, हम रिसेंटली एक लीडर हैं, उन्होंने जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने एक बयान भी दिया कि बीजेपी बाकी तो बात कर रही है लेकिन जो अपने उनसे कांग्रेस के जो लीडर थे, जो एमएलए बन चुके हैं, जो जुड़े थे, वो पार्टी छोड़ के जाने की तैयारी में कर रहे हैं। तो बीजेपी का घर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी लीडरशिप पर विश्वास रखते हैं, जो भी होगा सही होगा, और हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी में, आप राष्ट्रीय स्तर पर कभी इस प्रकार का विघटन हुआ ही नहीं, ये कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में होता है जो ज़्यादा सत्ता की इनको भूख रहती है। कल अभी गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उन्होंने दो बयान बड़े ही खास करके बीजेपी को लेकर दिए। एक बयान था उसमें से कि बीजेपी जो है इंडियन आर्मी की जो है पॉलिटिकल यूज़ करता है, अपने अपनी पॉलिटिकल हितों को पूरा करने के लिए आर्मी का यूज़ करता है, बराबर आर्मी का नाम लेता है। तो क्या कहेंगे आप? वो कुछ भी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेनाओं का मनोबल ऊंचा रहे इसके लिए प्रयास करती है। सेना का मनोबल तो उस वक्त भी गिराया गया था जब 1971 में भारत पाक जंग जीती गई थी। 90,000 सैनिकों के जीतने के बाद भी हम कश्मीर का वो फैसला नहीं कर सके। मुझे लगता है कि इस सारे हालात में आप खुद सोच सकते हैं, कांग्रेस ने हमेशा एक प्रश्न चिन्ह अभी लगाया था ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। कांग्रेस की क्या बात करें, मैं उसके लिए कुछ कहना नहीं चाहता, ये लोग जानते हैं। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि बीजेपी हमेशा जो है आर्मी को समझती है कि वो हमारी जागीर है, जबकि आर्मी जो है वो हर हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, हर किसी की है। तो इस तरह से उन्होंने कल एक बड़ा ही एक बयान दिया। देखो हम सेना की हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस सारे हालात में उनको लगता है कि आर्मी, अपने देश की आर्मी को अपना समझना चाहिए, हमारी जागीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं कि वो देशभक्त लोगों को हमेशा हमने बैक किया। वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी सेंटर की बात करें अगर ईडी और इंफॉर्मेशन, ये अपना ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यूज कर रही है अपने पॉलिटिकल हितों के लिए ऑल अक्रॉस द नेशन की अगर हम बात करें तो।
ऐसा नहीं है, उनके सोचना क्या हो सकता है, वो कितने देशभक्त है सारी दुनिया जानती है, मुझे इस पर मुझे लगता है कि कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का क्या इतिहास रहा, कांग्रेस का सेनाओं के प्रति, सुरक्षा बलों के प्रति वो हमेशा ये डिमोलिशन कराने का प्रयास करते हैं, उन्होंने सेना को कहाँ सपोर्ट किया, वो तो अफसभा के विरोधी रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सारे हालात में मुझे लगता है कि दुनिया जानती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी इशारा दिया है कि जो अभी ये कुछ जो MLAs हैं जो पार्टी से अलग हो रहे हैं, अगर बात करें PDP की या बाकी पार्टीज की, उनको भी ED और IT के थ्रू डराया जा रहा है पार्टी से अलग होने के लिए। ऐसा हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, उनकी तरफ से तो होता है, मुझे तो पता नहीं। हम इस प्रकार की ये इल्जाम लगाया उन्होंने, मैं पार्टी का लीडर हूँ, हमारी इस प्रकार की कोई सोच नहीं है, ना हमने सोचा। मैंने आप सबको कहा अभी भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार की सोच होती द्वारा तो सरकार छोड़ करके हम कुछ समर्थन में वापस ले आए। भारतीय जनता पार्टी पहले देश हित को देखती है, ना कि अपने हित। हमने कश्मीर में देखा किस तरह से कल एक सेंट्रल एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में एक कॉन्वोकेशन होती है उनकी फर्स्ट, और वहाँ पे कुछ एक जो प्रोफेसर थे केरला के वही खड़े होते हैं, बाकी कश्मीरी स्टूडेंट जितने भी थे वो अपनी सीट पे बैठे रहते हैं नेशनल एंथम के दौरान। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे युवाओं को कश्मीर के? ये कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही, उन्हीं का परिणाम है कि आज इस प्रकार की स्थितियाँ पनपी हैं। लाखों हजारों करोड़ रुपया खर्चने के बाद भी हम इस प्रकार के लोग पैदा नहीं कर सकते जो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहें या राष्ट्रगान का सम्मान करें। आने वाले समय में भारत पूरी तरह से जो भी इस तरह का कोई कदम उठाएगा तो उसकी मुझे, मैं तो सुबह भी मैंने TV चैनल को बोला कि इस प्रकार के लोगों की डिग्रियां कैंसिल की जानी चाहिए। कल भी हमने देखा सर किस तरह से BJP की जो नई अभी डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है उसने MLA गगन भगत जी को जो है एक नोटिस सर्व किया हुआ है। आपको क्या लगता है जो पर्सन एक पॉलिटिकल एरिना में होता है, जो पब्लिक लाइफ में होता है, उनको इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए? देखो ऐसा है कि जब हमें लोगों ने जिताया है, यहाँ पहुँचाया है, तो लोगों के प्रति हम जवाबदेह हैं। तब अपना परिवार से पहले हम लोगों के लिए हैं। लोगों में एक गलत जो परसेप्शन बनती है, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपना। ठीक है उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भी उसका अफेक्ट होता है, इसलिए कमेटी में उनको बुलाया गया। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे स्टेट की, दिन ब दिन कोई ना कोई नया एक खुलासा सामने आता है, तो क्या हम यात्रा खत्म होने के बाद कोई नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन देखते हैं अपने स्टेट में? देखो मुझे ऐसा लगता है गवर्नर रूल का ज़्यादा देर रहना वो ठीक नहीं होता। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो इसके लिए हम तत्पर हैं। प्रदेश के हालात को देखते हुए गवर्नर रूल लगाया गया था और सरकारें चुनाव जीत करके भी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं चुनाव जीत कर भी सरकारें बनाती हैं। सरकार तो बननी है लेकिन परिस्थितियाँ कैसी बनती हैं उसके बाद ही इन चीज़ों को सोचा जा सकता है। कुछ लोगों का अगर पब्लिक की बात करूँगा ये भी कहना सोशल मीडिया में देखते हैं कि गवर्नर रूल इज़ बेटर देन द लास्ट गवर्नमेंट दैट इज वर्किंग, गवर्नर रूल में ज़्यादा काम होना शुरू हो गए, तो क्या मैसेज रहेगा लोगों? हमने इसीलिए इस चीज़ का समर्थन किया था कि हमारे जो कोलिशन पार्टनर थे उस रेवेन्यू के मसलों को लेकर के, जैसे वो सभी प्रोजेक्टों के साथ रेवेन्यू जुड़ा है, रेवेन्यू में कहीं ना कहीं डिले किया जाता था, लाल गार्डन के जो मसले बने थे उसमें पत्थरबाजों को सपोर्ट किया जाता था, इसी तरह फाइनेंस का जहाँ पर पैसा जल्दी रिलीज करना था उसमें भी कोई ना कोई देरी लगाई जाती थी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो हमने सोचा कि गवर्नर रूल इस वक्त ठीक रहेगा, क्योंकि जम्मू और लद्दाख के लोग बहुत सफर कर रहे हैं, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन। पिछली गवर्नमेंट की बात करें सर, उसमें एक प्रॉब्लम एक आई थी कि जो BJP का कोटा था मिनिस्ट्री का, उनको वो मिनिस्ट्रीज नहीं मिली जो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है, बात करें लॉ की, होम की, रेवेन्यू की, फाइनेंस की, वो सारा PDP कोटे में गया था। इस बार अगर पॉलिटिकल फॉर्मेशन कोई होती है जैसे कि आप बता रहे हैं नाथ यात्रा के बाद, हो सकती है पॉसिबिलिटी है, मैंने नहीं कहा, लेकिन परिस्थितियां कैसी होती हैं वो, तो अब हमें लगता है कि वो गलती दोबारा BJP से नहीं होगी जो एक बार पहले हो चुकी है। नहीं, सभी मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट होती है सभी, अब पानी बिजली सड़क का जो डिपार्टमेंट है जनता के साथ, क्योंकि कविंदर जी आपने खुद ही माना कि कुछ काम नहीं हो पाया उसका यही मैंने, मैंने कहा कि उनको वायस्ड सोच उनकी नहीं रहनी चाहिए थी, एक तरफा सोच नहीं रहनी चाहिए थी। जम्मू लद्दाख और कश्मीर समाहर लिए सभी बराबर हैं, ना कि कश्मीर के सिर्फ काम हो बाकियों के काम ना हो, इस प्रकार के अब जम्मू का एम्स था, अब वो गवर्नर रूल में बनना शुरू हुआ है, तभी लोग खुश हो रहे हैं कि अभी काम शुरू हो रहा है। इसीलिए हमने लोगों को हितों को देखा ना कि अपने को, अगर अपने हितों को देखा होगा हम सरकार में होते,
इसलिए काम ठीक प्रकार से हो, और ऐसी जो अमरनाथ यात्रा है या पत्थरबाजों को जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया, वही एक कारण रहा कि हमने सपोर्ट वापस दी, स्थितियां फिर सुधरेंगी, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना करके फिर से आएगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल ग्राउंड एक थोड़ी सी बीजेपी लूज कर चुकी थी सरकार में आके उसके दो साल के तीन साल के कार्यकाल के बाद गवर्नर रूल अप्लाई होने से बीजेपी संगठन तौर पे कुछ काम कर रही है दोबारा से? भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी डिपार्टमेंट से हमने बहुत काम किया है, मैं एक छोटी सी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ, 480 किलोमीटर सड़क यहाँ पर गांधी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनी, 14,000 नए पोस्ट लगे, 300 नया ट्रांसफार्मर लगा, 70 यहाँ पर बस शेड्स बने, 50 स्वरूप शौचालय बने, 130 करोड़ रुपया हमने एयरपोर्ट पर लगाया, 110 करोड़ रुपया हमने रेलवे स्टेशन पर काम हो रहा है, इसके साथ 20 किलोमीटर के नाले बने हैं, और हर लेंस ड्रेन्स के माध्यम से एक जाल बिछा है गवर्नमेंट का। तो इसी तरह से सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी डिपार्टमेंट से उन्होंने हमने खुल करके बात की है, हम चाहते हैं कि जो काम रह गए अगली जो बार जो जब भी सरकार बनती है उसको मैक्सिमम डेवलपमेंट हो, और खास करके जो बॉर्डर के लोगों का एक मसले थे बंकर, वो केंद्र सरकार की तरफ से कभी कोई कमी नहीं आई है। राजनाथ सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री पिछले दिनों आकर के 25,000 करोड़ रुपया कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए देखे गए हैं। हमारी प्राथमिकता है बॉर्डर, हमारी प्राथमिकता है वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, हमारी पाकिस्तान है पीओके रिफ्यूजीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसी बात, केंद्र की तरफ से कोई वो नहीं था, लेकिन राज्य सरकार के कुछ जो हमारे कमीशन पार्टनर थे कहीं ना कहीं गलतियाँ थी, उसी के परिणामस्वरूप हमने इसको समर्थन वापस लिया था। कविंदर जी लास्ट में आपसे पूछेंगे, जैसे आप हमारे जम्मू के काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, हमने एक स्टोरी की थी पॉलीथीन यूज के ऊपर, तो हम चाहेंगे आप एक जनता को हमारे जो है एक मैसेज दें कि क्यों पॉलीथीन का यूजेज जो है कितना हमारी एनवायरनमेंट के लिए खराब है थोड़ा सा। तो पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, और मैं आपको जानकारी के लिए, जब मैं मेयर था शहर का तो मैंने उस वक्त पॉलीथीन को खत्म कर दिया था, पॉलीथीन फ्री सिटी हमने बनाया था, बाद में क्या हुआ किसी के साथ क्या चीज़ें हुई कि दूसरी सरकारों ने दूसरे लोगों ने उसको द्वारा शुरू किया, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक चैलेंज है। मुझे लगता है कि सभी को ये सोच करके, जैसे प्रधानमंत्री जी इस वक्त पर्यावरण की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं और खास करके स्वच्छता की ओर, सभी को मिलकर के इस राष्ट्र के लिए समाज के लिए सोचना होगा, तभी ये चीज़ें संभव हो पा सकती है। धन्यवाद कविंदर जी, आपने हमें टाइम दिया। ये थे कविंदर गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम हमारे स्टेट के, जो जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं आशीष कपूर, द अर्थ न्यूज़।